हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, से राम राम। एक नया दिन, एक नया वीडियो, तो आइए मेरे साथ में। अच्छा पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली ईस्ट में है, जो कि स्टेशन के पास में। और इसकी जो टिकट है वो है बच्चों के लिए 5 से 12 साल के लिए है, तो उनका 45 रुपये है, 45 रुपीज़ है। अगर आप बड़े हो 12 साल के ऊपर तो आपको एंट्री टिकट जो है नेशनल पार्क की, संजय गांधी नेशनल पार्क की, 85 रुपीज़ 85 रुपये है। और यहाँ पे आप आ सकते हो, और यहाँ पे आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ, ये है हाईवे, हाईवे से आप अंदर आ सकते हो। और स्टेशन से भी बहुत ही नज़दीक है, 1 से 2 किलोमीटर बोरीवली ईस्ट में आपको उतरना है, और स्टेशन से चल के आओगे तो लगभग 2 किलोमीटर है, और ऑटो से भी आ सकते हो, तो 15 मिनट पकड़ लो अगर आप चल के आते हो तो। और यहाँ पे ये स्टार्टिंग एंट्री कर ली हमने टिकट दे के, 85 रुपीज़, जो कि 85 रुपये टिकट है। और आप कार से कनेरी केव्स जा सकते हो, कनेरी केव्स जो कि है आपको 50 रुपये में, आपको जो है वहाँ पे कनेरी केव्स के यहाँ पे ये जो कार है यहाँ से छोड़ा जाएगा पर सीट, और बस भी मिलती है। चलो अभी मैं आपको थोड़ा अंदर लेके चलता हूँ। ये आपको राइट साइड में जो है साइकिल स्टैंड दिखने मिल जाएगा, जहाँ पे ये देखिए अभी 3 साइकिल रखी हुई है यहाँ पे, मतलब ये पूरा भर जाता है साइकिल का मॉर्निंग में अगर आप आओगे। मैं थोड़ा इवनिंग में आया हूँ 3-4 बजे, तो 2 आवर का है, जो 80 रुपीज़ रेंट है साइकिल का, और 300 रुपये आपको जो है डिपॉजिट देना है। अगर आप साइकिल उसी हालत में, उसी कंडीशन में रिटर्न देते तो आपको जो 300 रुपये आपका जो है रिटर्न मिल जाएगा, और 2 घंटे का 80 रुपये चार्ज है। तो आप अपने हिसाब से 2 घंटे के लिए लीजिए, या 4 घंटे के लिए, या 3 घंटे के लिए, जैसे भी आपको लेना है। तो और अंदर आपको अपनी जो बाइक है, स्कूटर है, या कार है, उसे बाहर ही आपको रखना है, अंदर अलाउड नहीं है फिलहाल। तो वहाँ पे पार्किंग चार्ज भी दिए गए हैं, जब एंट्री में आपने देखा, आप देख सकते हो वहाँ पे, आप पीछे पार्किंग में लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कनेरी केव्स के यहाँ पे लेके चलता हूँ। अभी मैं BST बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो कि बस आएगी, जो कि और बस स्टॉप पे हम लोग जाते हैं। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे वेट कर रहा था, ये देखिए बंदर जो है हो जा रहा है, तो मैं अभी फ़िलहाल बस के लिए वेट कर रहा हूँ। तो अभी बस आएगी तो मैं बस में जाऊँगा, और कनेरी केव्स को एक्सप्लोर करेंगे। बंदर देखिए, आपको दिख रहा होगा अगर आप देख रहे हो, और आगे हिरन भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं। अगर टाइम अच्छा रहा तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आते तो बहुत रहते हैं, मैंने देखा हूँ। एक्सीडेंट के पहले मैं जब आया था तब था है। अभी ये तो गेट पे ही है, आपको बंदर दिख रहे हैं, मंकीज। यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं, जैसे मैंने कहा मैं कनेरी केव उसको पहले एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद में जंगल सफारी है, उसके बाद में देखिए बंदर देखिए, तो ये वन रानी करके ट्रेन आती थी, और बोटिंग भी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं थोड़ा चल के आगे आया हूँ, था पसीना, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बोट के यहाँ पे भी जाऊँगा, बस अगर जब तक नहीं आ रही तो चलो बोट के यहाँ आपको लेके जाते हैं। और सीधा कनेरी केव्स है, आप देख रहे हो, वन रानी करके यहाँ पे मिनी ट्रेन है, उसको वन रानी बोला जाता है, जो कि फ़िलहाल अभी कुछ तकनीकी रीज़न की वजह से बंद है, तो अभी चल रहा है वो, इलेक्ट्रिक में शायद चालू होगी, ऐसे मुझे बताया गया, मैंने जस्ट पूछा तो उसका जो चल रहा है, फिर वनरानी करके जो है मिनी ट्रेन जो है वो चालू हो जाएगी, जो कि शान है बोरीवली की, यहाँ की नेशनल पार्क की। तो अभी ये देखिए बस स्टैंड पे मैं हूँ, अभी पानी पी लेता हूँ, तो अभी पानी पीने जा रहा हूँ। और वाटर अंदर अलाउड नहीं है, आप वाटर बॉटल नहीं लेके आ सकते हो, बाहर चेकिंग होती है, तो यहाँ से आप खरीद सकते हो, जो कि यहाँ पे जो नॉर्मल वेंडर जो अंदर ही रहते हैं शायद वो लोग से ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए बचपन के दिन याद आ गए, तो मैंने अभी नींबू पानी लिया, नींबू पानी पीते हैं, बहुत थोड़ा बहुत चला हूँ, आपने देखा ही होगा। तो ये देखिए, ये 20-30 रुपीज़ में मिल जाता है इमली अचार, ककड़ी और बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं नींबू पानी पी रहा हूँ, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, और कनेरी केव्स जाना है, उसके बाद में जंगल सफारी, फिर वनरानी, फिर बोटिंग, तो बस का इंतज़ार, बस अभी आएगी थोड़ी देर में, तब तक थोड़ा सा राउंड मार लेता हूँ, आपको थोड़ा वो दिखाऊँ। बहुत ही नेचुरल, लाइक अगर आप नेचर लवर हो तो आपके लिए बहुत ही सही है ये जगह, और बर्ड्स भी बहुत है, देखिए बर्ड्स ऑफ संजय नेशनल गांधी पार्क,
तो यहाँ पे मॉर्निंग में आ गए, और अभी भी थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल बोटिंग के लिए नीचे स्लोप पे यहाँ जा रहा हूँ, तो आइए मेरे साथ में बने रहिए। तो बस अभी आएगी थोड़ी देर में, तब तक मैं यहाँ पे देखिए लेक है यहाँ पे, जो कि लेक, और ये बोटिंग आपको, बोट अगर आपको चलाना है 2 सीटर 85 रुपीज़, 85 रुपया 2 सीटर, जो कि आप ही को चलाना है पैर से, साइकिल के माफिक आपको उसमें पैंडल मारना है, 2 सीटर 85 रुपया 85 रुपीज़ ये लेक है। इसमें जो है आपको एक राउंड आपको मारने मिलेगा, तो आप देखिए। और जो 4 सीटर भी है इसके अंदर, जैसे आप 4 लोग हो तो 4 लोगों का 173 रुपीज़ चार्ज है, और देखिए 173 रुपीज़ फॉर 4 पर्सन नौका विहार बोटिंग के लिए। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए 4 सीटर, और ये रही 2 सीटर। ये देखिए 4 सीटर, ये ब्लू ब्लू वाली है, और 2 सीटर वो येलो वाली है। तो वैसे हैं आप अगर मतलब फैमिली के साथ हो तो 4 सीटर का आपको 173 रुपीज़ लगेगा, और 2 सीटर हो तो 85 रुपीज़ पर पर्सन, 45 43 रुपीज़ पकड़ लो, 42 रुपीज़। और तो ये आप आनंद उठा सकते हैं। देखिए पैंडल मारना है जैसे साइकिल में हम लोग मारते हैं। मैं फ़िलहाल अभी पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, कोई अगर मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगा इसके अंदर, और थोड़ा सा, और मेरे बस का टाइम भी होगा। मुझे मैंने जैसे वहाँ पे पानी पिया था, तो उनको पूछा था लेडीज़ को, तो बोले बस अभी आएगी आधे घंटे बाद में। तो बस मैं नीचे आया हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोर कर लेता हूँ इसको, और फिर सोचा फिर कनेरी के उसके लिए आगे जाऊँगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मेरा तो फ्रैक्चर जर्नी है जैसे आप लोगों को पता ही है। देखिए मैं चल रहा हूँ, लिम्पिंग थोड़ा बहुत है, और मेरा नी भी बैंड होता है, ऐसा नहीं है। जो फ्रैक्चर फाइटर जो है, मतलब जो फ्रैक्चर लोग भी है मेरा जो ब्लॉग देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और थोड़ी सी जानकारी फ्रैक्चर के बारे में भी। तो थोड़ा सा लिम्पिंग है, और मैं चल पाता बिना सपोर्ट का, कोई है नहीं। तो ये देखिए अब ये मीठी नदी नदी है, और ये बारिश के टाइम में थोड़ा बहुत भर जाती है और अच्छा रहता है, लेकिन बोटिंग के लिए बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ से खड़े रहकर बहुत सारे लोग पिक्स निकाल रहे, फ़ोटो निकाल रहे, जो कि अभी ट्रेंड चल रहा है सब जगह सोशल मीडिया पे। तो हम लोग यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं ये व्यू। बहुत ही सुंदर, और पूल के इस तरफ और पूल के उस तरफ। सफारी बुकिंग विंडो, जो कि टाइगर सफारी, लायन सफारी जो है, और तो वो ऊपर है आगे, वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो ये बोटिंग के लिए मैं फ़िलहाल नीचे आया था, और ये ब्रिज है, ये फेमस ब्रिज है, यहाँ पे फ़ोटोज़ निकालते ही जाते हैं। और ये नई सर्विस चालू की है, ये कार्ट है, बग्गी है, या जो भी आप बोलो, बहुत अच्छा है। 50 रुपीज़ चार्ज है, यहाँ से आप लोग म्यूज़ियम जो है दो वहाँ पे लेके जाते हो, लास्ट में जो है जंगल सफारी के यहाँ पे छोड़ते हैं। वाटरमेलन मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पे मैं खा रहा हूँ, 20 रुपये का है। बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस का इंतज़ार करते करते थोड़ा सा लेट हो गया है। बस वो थोड़ा सा आगे पीछे होती है, BST की बस है, जो कि जैसे मैंने बताया, तो वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी तो ये खा रहा हूँ, जैसे मैंने बस तो मिल गई है मुझे, और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया ओमनी जो थी कार थी, उससे हम लोग 50 रुपीज़ दे के वो तुरंत छोड़ दे, जैसे 4 लोग 5 6 लोग भर जाते हैं तो वो हमें कनेरी केव छोड़ती है। और मैं बस मुझे मिल गई है बोटिंग का, जैसे बोटिंग के यहाँ से ऊपर आ गया हूँ मैं, बस मुझे मिल गई, बस से मैं अभी जा रहा हूँ, लास्ट सीट मिली है। ये देखिए पीछे से मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से 10 से 15 मिनट में जो है कानेरी केव्स जो है वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। साइकिल से भी आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा साइकिल अभी मैं चलाऊँगा तो कैमरा कैसे पकड़ूँगा जैसे। और ये बस टिकट जो है 10 रुपये है सिर्फ कानेरी केव्स तक जाने के लिए, ठीक है 10 रुपया BST की टिकट है। और जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे 50 रुपीज़ है, जिसको जल्दी है तो वो अपना ओमनी से भी जा सकता है, वो तुरंत छोड़ देते हैं।
और यहाँ पे बस के लिए थोड़ा वो टाइमिंग के हिसाब से हमें वेट करना होगा। तो बहुत ही पूरा फॉरेस्ट और जंगल, गांव में तो बहुत लोगों के होगा देखा होगा, लेकिन यहाँ के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ। और लास्ट सीट में तो ये मैं बस से उतर गया हूँ अभी, और यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे। ये आगे ही कनेरी केव्स है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ खाना होगा तो छोटे मोटे स्टॉल है, और ये जो यहाँ रहते हैं ये कनेरी केव्स के यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा आपको ऊपर स्लोप एरिया है, वहाँ से चलना है उतरना है, स्टेयर भी है और ऊपर भी है। तो आइए कनेरी केव्स मेरे साथ में चलिए। यहाँ पर एंट्री फीस है 25 रुपया, आपको 25 रुपीज़ देना होगा। और ये रही उसकी टिकट, बुद्धिस्ट केव कनेरी जो लिखा हुआ है। और ये मैं ऊपर चल रहा हूँ, स्टेयरकेस भी चल रहा हूँ। देखिए फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर लोगों उनके लिए पूछते रहते कमेंट में आप चल पाते हो बैठ पाते हो, तो भाई मैं बिना सपोर्ट का ये मैं चल रहा हूँ। तो ये हो गई मेरी एंट्री, 25 रुपीज़ टिकट है कनेरी केव की, और ये ऊपर चल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आप लेफ्ट में हैं तो कैंटीन भी है। तो जैसे मैंने कहा, ये एंट्री करते नंबर पहली गुफा है। इस गुफा के अंदर चैत्य गृह बनाने की योजना थी, लेकिन किसी कारणवश ये मतलब ये जो काम है वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो ये ग्राउंड और अप बनाई गई है, और मतलब वो टाइम पे अदर 1st सेंचुरी से लेके मतलब जो भी है, तो जो कि है जो कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे और यहाँ पे जो लिखा गया है उसके डिटेल, उसके थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखे हैं, देख लीजिए, ये कनेरी केव्स की जो गुफाएं है 3rd सेंचुरी से भी पुरानी है, और ये गुफाएं हमें बौद्ध धर्म का अस्तित्व दर्शाती है। गुफाओं के अंदर जाओगे जैसे कि, तो बहुत ही कार्विंग की गई दीवालों पे जो मूर्तियां हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और उस टाइम पे बनाई गई जैसे कि आर्ट है। तो और इस गुफा में एक गुफा है, मतलब ये जो अंदर है चैत्य गृह बना हुआ है इसके अंदर, जहाँ आवाज़ गूंजती है, तभी वहाँ उस वक्त में मेडिटेशन किया करते थे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटेल में दिया गया है पूरी। ऊपर बहुत केव्स है, और ये सब गुफाएं एक ही पहाड़ के पत्थर में बनाई गई है। मतलब सोचो ना, एक ही पहाड़ है उसके अंदर ये बनाई गई है। और इस पत्थर को वॉल्केनिक ब्रेसिया करके बोला जाता है, और ये टोटल 109 गुफाएं हैं जो कि वहाँ पे लिखा गया है, उसमें बताया गया। तो मैं उसी को आपको डिटेल जो है बता रहा हूँ, और देखिए क्या व्यू है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर ये व्यू है, आप देख सकते हो। ये कनेरी के उसके ऊपर है, जो कि मैं आ चुका हूँ ऊपर, ज़्यादा टॉप पे नहीं आया हूँ, और भी ऊपर है गुफाएं जैसे मैंने कहा। और जैसे इसका कनेरी केव्स का नाम, कनेरी का मतलब संस्कृत में होता है कृष्ण नगरी, कृष्ण नगरी इसका मतलब होता है ब्लैक माउंटेन, कृष्ण नगरी कनेरी ब्लैक माउंटेन, तो इसका मतलब है ये जो है ब्लैक माउंटेन आप देख रहे हो, तो उसको जो संस्कृत में बोला जाता है कन्हेरी केव्स। तो यहाँ पे जैसे डिटेल में दी गई है, उसकी जानकारी दी गई है, उसकी डिटेल दी गई है, आप पढ़िए। और अगर आप आर्कोलॉजी या जैसे कि थोड़ा बहुत, तो वही यहाँ पे डिटेल दी गई है, वही आपको जैसे कि वहाँ पे जो डिटेल दी है वही मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे ऊपर हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है,
और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, तो समझ सकते हो ना, मतलब भीड़ नहीं है, कोई नहीं है। तो ये थोड़ा सा शाम का टाइम, देखिए कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं है, कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। एक वॉचमैन है देखिए पीछे, वो बंद कर रहा है, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा नीचे, और जैसे मैंने कहा ये ब्लैक माउंटेन है, इसको इसका जो नाम दिया गया है कनेरी, वो संस्कृत वर्ड है कृष्णागिरी, कृष्णागिरी विच मीन्स ब्लैक माउंटेन, कनेरी केव्स। तो यही है आगे, आगे मैं थोड़ा बैठा हूँ, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांत, कोई है नहीं, और जो व्यू है बहुत ही शानदार। और देखिए आप, और यहाँ से नीचे आप, जैसे कि मेरा फ्रैक्चर है, तो वैसे कोई अगर है ओल्ड एज है या किसी को, तो वहाँ पे आप व्हील चेयर से भी आ सकते हो, वहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वो भी आ सकते। तो अभी चलते हैं नीचे, अभी जैसे कि, और मैं ये स्लोप है जैसे मैंने कहा, वहाँ से नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ की अभी कैनरी केव्स तो हो गया, आगे हमें एक्सप्लोर करना है, मतलब जानना जाना है। एक तो जो मिनी ट्रेन है वो फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे भी पिकॉक, हिरन और बारा सिंगा बोलते हैं वो है, या तो देखते हैं आगे क्या है। और उसके बाद में लायन सफारी, जहाँ पे लायन हैं और टाइगर्स हैं, और उसके बाद में बोटिंग। तो आइए नीचे चलते हैं, अभी यहाँ को करते हैं अलविदा कैनरी के उसको। और ये यहाँ से नीचे उतरेंगे तो एक कैंटीन भी है, अभी फ़िलहाल बंद है, तो वहाँ पे आप स्नैक्स वैक्स ले सकते हो, ये देखिए यहाँ पे, और ये यहाँ पे ही है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे वही जैसे मैंने बताया, आप नॉर्मल वहाँ पे जो यहाँ के गांव जो भी रहते हैं यहाँ पे, वो लोग जो छोटा सा लगाते हैं, जो भी दुकान लगाते हैं कैरी, मतलब वो जो चीज़ें हैं वही मिलेगी, ऐसा प्रॉपर स्नैक्स जैसे कि वो यहाँ पे मिलेगा कैंटीन में। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया 25 रुपीज़ टिकट है, ये देखिए गेट हो गया है बंद, और यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ, और आइए मेरे साथ में। थोड़ा सा पकड़ पकड़ के चल रहा हूँ, स्लोप है, बिस्लरी ले लिया हूँ, 30 रुपीज़ की है यहाँ पे। तो बस से ही जाएंगे, जो कि 10 रुपये टिकट है, वो हमें आगे तरक छोड़ेगी, और वहाँ से जंगल सफारी जैसे मैंने कहा, और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। देखते हैं अभी एनिमल्स क्या क्या है। तो अभी बस स्टॉप है यहाँ पे, वहाँ से आगे तक जाएंगे, जो कि 10 रुपये टिकट है जो मैंने बताया। तो वेट कर रहा हूँ मैं बस आने का। तो पानी पी के अभी बैठा हूँ, अभी बस आगे, बस का वेट कर रहा हूँ, बहुत ठीक है, और थोड़ा सा थक गया हूँ, बहुत दिनों बाद में आया हूँ ऐसा, तो ठीक है, बहुत टाइम बाद में, अच्छा लग रहा है। और ये बस जो है वो देखिए मेरे पीछे आ गई है, एक ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद में आ गई है, और बस स्टॉप पे भी आप देख रहे हो, कोई है नहीं तो बस अभी बस टर्न मार के हम बस पे जाके फिर चलते हैं आइए आगे। आपको लेके चलता हूँ, और बोरिवली नेशनल पार्क का आपको विज़िट कराता हूँ।